موضوع نہیں بدلے گا، لہجہ بدلے گا، دائرہ نہیں بدلے گا، اس لیے کہ بدلتا ان کا عنوان ہے جن کے ہاں وقت پہ ایمان بدل جائے۔ صاحب آپ شیوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں، شیشے کے سامنے نہیں۔
किताब अवान से है, आयने से नहीं। ये जो आयत करीमा तिलावत की गई है, कि आपको माशाल्लाह कराते हैं आप इसका तर्जुमा जानते हैं, रहमान अल्लाह कुरान रहमान इसमें कुरान की अल्लाह का इंसान, उसके बाद इंसान को कल किया अल्लाह बहुत बयान और बयान की यादि जरा जोर से बोलिए बस पूरी मजलिस जो है वो इसी मुकाम पर बयान। कितनी बड़ी खुदा की नेमत है बयान, जिसे देने के बाद वो अपनी फजीलत का इकरार करता है, अपने आप को रहमान कह रहा है क्योंकि उसने बयान की ताकत दी है। अजीजाने गिरामी याद रखिएगा, ये बयान कोई मामूली ताकत नहीं है, साहिबाने नजर है। इंसान बोलना तो 2 साल की उम्र में सीख जाता है बच्चा, मगर क्या बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है, ये सीखने में जिंदगी गुजर जाती है। लफ्ज आप तक शायद नहीं पहुंचा। वो कहते हैं कि इंसान बोलना तो 2 साल की उम्र में सीख जाता है, मगर क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहां बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, ये सीखने में उसे उम्र लग जाती है। यही वजह है कि जो बोलना नहीं सीख पाते वो बड़े तो जल्दी हो जाते हैं मगर बुजुर्ग नहीं होते। कहां बैठे हैं, मैं क्या कह रहा हूं भाई, मगर
माहिरे इंसान की आप कहते हैं कि एक इंसान इंसान के पढ़े लिखे लोगों के दरमियान रहता हूं कि इंसान मोहताज है अपनी बात को पहुंचाने के लिए दूसरे आदमी तक जबान, मगर जबान की शक्लें मुख्तलिफ, कभी इशारा जबान, कभी बोलना जबान, कभी हंसना जबान, कभी 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 ऐसा होता है कि एक आदमी बात कर रहा है आप मुस्कुरा, ये वही समझेगा कि तुम मुस्कुराए, तंजिया मुस्कुराए, ठीक है। अब जो वो लफ्ज कह रहा है वो सुनिए सरकार, आपकी मौजूदगी में लफ्ज कह रहा हूं सुनिए, वो कहता है ये तो हकीकत है कि इंसान मोहताज है जबान का, मगर ये भी हकीकत है कि जमीन के बदलने से जबान बदल जाती है, जमीनों के बदलने से जबानें बदल जाती हैं। आप कहेंगे कैसे, सुनिए, आप हिंदुस्तान में हिंदी बोल रहे हैं उर्दू, आप ईरान में गए तो फारसी शुरू हो जाए, आप ईरान में गए बंदा नहीं बदला, बंदा नहीं बदला, जमीन बदली, जबान बदल गई, जैसी जमीन वैसी जबान, वैसी जबान। अब जो वो दर्ज कहता है वो सुनिए, कहता है ये तो हकीकत है कि जमीन के बदलने से जबान बदलती है, मगर ये भी हकीकत है कि जबान तो बदलती है मगर तरीका इस्तेमाल जबान नहीं बदलता। सख्त हो गई बात है, सख्त हो गई ना, मगर होने भी आजकल फैशन के ऐसी मैं जिसको तो किसी की समझ में ना आए, सब कहते बहुत अच्छी और मोहम्मद
घर भी है कमरे ये क्या है ये समान है समान ये समान है समान समझ गए अब सुनिए आप ये जुमला दुनिया में जितने इंसान है मैं नहीं कभी आपके सामने मौलवी अपनी मिसाल दे रहा जितने वो चाहे आप हो या हजरत आयतुल्लाह उस्मान हो या डॉक्टर साहब हो या पीएचडी वाले हो या एमबीबीएस हो या पीएचडी हो जो भी है अगर अल्लाह ने उसे सालिम जिस्म दिया है तो उसके जिस्म में सबसे कमजोर होगी जबान हाथ ताकतवर है जबान कमजोर पांव ताकतवर है जबान कमजोर है सीना ताकतवर है जबान कमजोर है सबसे नाजुक सबसे कमजोर क्या है जबान मगर वो ये कहता है कि इसके कमजोर होने पर ना जाना इंसान की जबान और कायनात के सिर पे नाजुक यानी औरत भी नाजुक जबान भी नाजुक कहता है इनके कमजोर होने को जाना इसलिए कि कमजोर तो बहुत है मगर खतरनाक बड़ी है अल्लाह को पता था कि बनाया तो कमजोर है मगर खतरनाक इतनी है कि इसके खतरे का ऐलान क्यों किया कि 32 दांतों का पहला बिठाया अब मैं लफ्ज कहने जा रहा हूं बना सुना लो एक सिर पे नाजुक एक जबान नाजुक वो कहता है नाजुक तो बहुत है मगर खतरनाक इतनी है कि अल्लाह ने इसके खतरे का ऐलान यूं किया कि इसे नाजुक बना के 32 दांतों का पहला बिठाया दो होठों का फटक लगाया ताकि पता लग जाए कि है तो नाजुक मगर जिस रोज घर से बाहर निकल गई नस्लें कटवा देंगे को पसंद होगा इसलिए कि हमारा अकीदा यह है कि दुनिया के
शांति था। हमारा अकीदा है कि दुनिया के सबसे बड़े खतीब का नाम है अली। क्या आप इस बात पर राजी हैं? आप तो खामोश हैं। ऐसा लग रहा है जबरन आपसे टॉक करूंगा। अगर आपका अकीदा हो तो बोलिए, और अगर नहीं है तो कहता हूं सही साहब आप गलत कह रहे हैं, जो कर जाइए। मैंने अपनी तारीख पढ़ा दी, खतीब होने के बाद अली से बड़ा खतीब ना कोई था ना कोई है ना होगा कोई होगा। तो जब आजकल छोटे छोटे खतीबों के पसंदीदा मौजू आते, कभी तुमने फरशेदा बैठ के सोचा कि कोई मौजू तो होगा जो अली को पसंद होगा, कोई मौजू तो होगा जो अली को पसंद होगा। जानते हो अली की जिंदगी का पसंदीदा मकान था तौहीद। नहीं नहीं का पसंदीदा उमान था तौहीद। जब बोले तौहीद, जहां बोले तौहीद पर बोले, जिस वक्त बोले तौहीद पर बोले। शिया नहीं, सुन्नी नहीं, हनफी नहीं, मालिकी नहीं, हंबली नहीं, शाफई नहीं, कादरी नहीं, जिलानी नहीं, एक क्रिश्चियन ने लिखा कि अली से अच्छा तौहीद पर बोलने वाला ना अली से पहले कोई गुजरा। अली से अच्छा क्रिश्चियन ने लिखा कि अली से अच्छा तौहीद पर बोलने वाला ना अली से पहले कोई था ना अली के बाद। चलिए अली के बाद वाली बात तो हम भूल कर लेते, इसलिए अली के बाद जितने आए वो सब छोटे थे, मगर अली से पहले जितने बोले सब नबी थे, रसूल थे, बल्कि खुदा थे। तो आपको यह कहना चाहिए था कि अली के बाद उसने कहा नहीं, ना अली से पहले ना अली के बाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई नबी ऐसा था जो तौहीद पर ना बोला हो? आदम तौहीद को बोले, नूह तौहीद को बोले, इब्राहिम तौहीद को बोले, यहया तौहीद को बोले, ज़करिया तौहीद को बोले, शीश तौहीद को बोले, अनोश तौहीद को बोले, महलाई तौहीद को बोले, क़िनान तौहीद को बोले, अदनान तौहीद को बोले। हमारा नबी तौहीद को बोला, मगर उस क्रिश्चियन ने लिखा कि अली से अच्छा ना वो बोल पाए ना बाद वाले बोल पाए। उससे पूछा दलील क्या है, उसने कहा दलील ये है, तुमने सुनिएगा, उसने कहा बोले तो सब और बोले अली भी, मगर उनके बोलने में और अली के बोलने में फर्क यह है कि वो सब बगैर देखे बोल रहे थे, अली देख के बोल। इकलौते वाहिद यक्ता है अली जिन्होंने कहा कि मैं अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा नहीं करता, जिसे देखा ना। आप क्या समझ रहे हैं? अली ने जुमला बनारस के लोगों के सामने, दाल मंडी वालों के सामने, तोशीपुरा वालों के सामने, इनके सामने, इनके सामने, टिकला के सामने, मेरे सामने, हमारे सामने कहते तो खुशी में पी के बैठ जाते। कह रहे हैं अली ने जिनके सामने कहा वो आदमियों के कातिल थे, वो आदमियों के कातिल थे, वो इज्जतों के दुश्मन थे, वो आदमियों के कातिल थे, इज्जतों के दुश्मन थे। जैसे अली ने कहा मैंने सजदा नहीं करना उसे जिसे देखा ना। एक साथ भी इनको ठेके लगे, कैसे हो सकता ये तो किसी ने देखा ही हमें तो नजर आता ही। अली ने कहा तू भी देखते हो? कहा किस चीज से देखते हो? उसने फौरन उंगलियां रखेगा या अली हम आंखों से देखते हैं? अली ने कहा औरत के अंदर अंधे अल्लाह ही आंखों से नहीं दिल की आंखों से नजर आता है। सुभान अल्लाह। अली से अच्छा तौहीद पर बोलने वाला जितने उत्पाद है मेरे मौला के, आगाज इब्तदा शुरुआत तौहीद से हुआ। क्यों, क्या वजह है? शौक था अली को, मैं पूछ रहा हूं अली को शौक था कि हमारी तरफ मौजू कम था, मेटर कम था, मसाला कम था, मवाद कम था, या पर्दे थे नहीं। आप सुनिए उसके चक्कर, वो कहता है अली जो तौहीद पर बोलता
पानी को रोकते थे, शौक नहीं बोलते, खौफ में बोलते। आपका दिल नहीं चाहता इससे कलम छीन ले, अगर मेरा पस चलता तो मैं इसका कलम लेकर तोड़ते। मेरा दिमाग खराब, हमारे मौला की तो नहीं करा अतियो खौफ अजरे करार और खौफ मलाए कायनात और खौफ सल्तनत बैठ कर मुझको लगान और खौफ प्रबंध आरोप जनाबे मराल और खौफ है पर ये खुदा और खौफ उसने का अली जो तौहीद पर बोलते थे आखिरी आज तक भाई जो जहां बैठा वो दाद दे चुके वो कहता है कि अली जो बोलते थे तौहीद पर मुसलसल हर जगह जहां भी बोलते थे तौहीद पर वो शौक में नहीं बोलते खौफ डर भय इस बात का खौफ था जी को वो जो जुमला लिखता है वो सुनिए और मेरी तरफ देखिएगा जब भी आपको समझ में आएगा कि हुसैन क्या कह रहा है उसने कहा जी के दिल में खौफ था इसलिए बोल रहे खौफ किस बात का था वो कहता है खौफ ये था कि अली जानते थे कि अगर मैंने इन्हें उसे न समझाया अली कहां बैठे सुनिए वो कहता है अली के दिल में खौफ ये था कि अली जानते थे कि अगर मैंने इन्हें उसे न समझाया ये मुझे वो समझ बैठेंगे
ये काट भी ऊपर तो बैठा और कौन में बैठा काला भी पूछ रहा है पीला भी पूछ रहा है हरा भी पूछ रहा है हर किस्म का और वो सबको भी पूरी करना अब आया ये मंजर देख के आया जब मंजर देख के आया तो अब तक उसका आनंद कहता है कि प्रयास नाता लोग पहले झुक के सलाम करता हूँ कोशिश करता तब फिर आते बैठता आज वो जो वहां वो मंजर देख के आया मस्जिद कुंभा का न सलाम न दुआ सीधा आया तो मैं बैठ गया सलाम आपको नहीं था आपके इल्म को था सलाम आपको नहीं था आपके इल्म को था उसने कहा क्या मेरा इल्म खत्म हो गया आपका इल्म खत्म हुआ या नहीं मुझे नहीं पता तो फिर मुझे सलाम क्यों नहीं किया तो आज आपसे बड़ा मिल गया आपसे बड़ा तो फिर कल से सलाम से होगा कहा चले सर दादा चाहिए जल्दी आइए सलाम लेकिन बेताज साहब गए तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी तो खेल में ताब करने के लिए खा जाइए जो बेताब नहीं है वो क्यों जा रहा फिर सुनिए होते जाके उस्ताद संभल के सवाल करना अपने पर भरोसा नहीं उस पर भरोसा है
اجازت ہے کہ سوال کروں؟ امام خاموش ہو گئے. میں کیا اجازت ہے سوال کروں؟ امام خاموش. ارے بھائی سوال کی اجازت نہیں دے رہے. سوال ہی پھر کہا کہ کیا اجازت ہے سوال کروں؟ سنو گے جوانو اپنے مولا کا جملہ. امام نے مسکرا کے کہا سوال کیوں کرتا ہے؟ مطمئن ہو جا جواب وہی دوں گا جو سوچ کے آیا ہے. اللہ ہے سنیے کہاں ہے
زبان سے معافی کے ساتھ ان کے پیے میرے پاس کچھ نہیں, مگر جو جوان ہے اس کے دانت کی آواز میرے کانوں میں آنا چاہیے. سن رہے مولانا نے کہا, اچھا کچھ میں آئے اللہ کا یہ بتا کے اگر تم جنگل میں کہیں بھیڑے بکریاں چلا رہا ہو اور کوئی درندہ کوئی شیر ان پہ حملہ کرے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کیا کروں گا, جب شیر حملہ کرے گا کونا پکڑ لوں گا, میں گاڑی کے پیچھے چھوٹ جاؤں گا اور بس کہاں کہاں مقابلے میں نہیں آئے گا. مقابلہ کیسے کروں گا؟ شیر ہے اتنے کھائے گا تو بھیڑے ہی مرے گا, پھر اتنے ہی مرنا پڑے گا. کہ تو پھر کا مولا میں مقابلہ تو نہیں کروں گا, کونے میں رہوں گا, مگر اس کونے میں جب جاؤں گا تو میرے دل سے ایک آواز نکلے گی, کاش کوئی ہوتا جو انہیں بچا لیتا. میں کیا کہہ رہا ہوں, کاش کوئی ہوتا جو انہیں بچا لیتا. علی نے کہا وہ جو کاش ہے کوئی بننا ہے. سبحان اللہ, سلام کر دے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شہر کے حیات
चिता के खो में उतर अल्लाह मगर अल्लाह से सुनाएंगे चाहे थोड़ी सुनाएंगे जैसा बंदा वैसा जवाब अली का कमाल जी मान लीजिए खोलो बेटे ये जो कठिन लाए हैं इसे खोलो इसे यूं यूं करके लगाओ उसमें यूं यूं करके लगाओ अब आ गया बाबू पर जैसे ही आग लगी वो जो पूछ रहा था हम के पीछे इसने ये सुना था कि अभी जला देते हैं इसने ये सुना था कि अली जला देते तो जब आग लगी तो डर गए कहीं जला ना दे वाला ने कहीं जरा कमोला आग जला देगी कहीं जरा कमोला आग जला देगी तका तुझे नहीं पता जब तक मैं हुकुम ना करूं ना यहां की आग जला सकती है पहले अली बाद में इसका मतलब चौथे नंबर
होता तो कह दो जैसे वो ऐसे ये पोस्ट एक दिए फॉर्म ने आवाम ने तो ये की दिए खुदा का आइडल हर आदमी कहेगा पोस्ट पे ना जाओ मन सब पे ना जाओ वो तीनों पहले वाले थे लानती फिरौन भी लानती मैं नाम ले रहा हूँ फिरौन भी लानती नमरूद भी लानती शताब भी लानती मगर अली नहीं क्यों इसलिए कि उन तीनों में और अली में फर्क यह है कि उन तीनों का नारा ये था कि अगर हमें खुदा ना कहा तो कत्ल करेंगे नमरूद का नारा ये था अगर खुदा ना कहा सुनिए सुनिए फिरौन का नारा ये था अगर खुदा ना कहा कत्ल कर दूंगा नमरूद का नारा ये था अगर खुदा ना कहा कत्ल कर दूंगा शताब का नारा ये था अगर खुदा ना कहा कत्ल कर दूंगा अली का नारा ये था अगर खुदा कहा अगर खुदा कहा बस हो गई बस पता वो मुशरिक हो जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां दरख्तों को पूजा जाता वहां गाय को पूजा जाता वहां सूरज को पूजा जा रहा वहां दरियाओं को पूजा अब सुनिए कल्ला सरकार शायर है बच्चा शायर है गुरुद्वारे कितने लोग यहाँ शायर है शायर तारा साहब शायर सब शायर हों ना जाने कितने होंगे यहाँ सब बड़े शेर कहते हैं अल्लाह सब को जरूर देते हैं मगर मैंने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में कैसे ये दो मिसरे सुन रहे सुने अगर मैंने अपनी जिंदगी एक साल में पाकिस्तान के ग्यारह पे आए थे वहां महफिल हुई थी तो उसमें तो उन्होंने पढ़े आपके तीन गाने में मैंने लिखे मेरे दिमाग में सोच रहे जैसे किसी ने चिपका ये शेर सुनिएगा अपने मुल्क का दौरा जायजा लीजिए और उसके बाद ये शेर सुनिए वो कहता है हमें शायर कहता है हमें शायर क्या हम सबको हमें अकीदाए वहदत की धात दी जाए अगर कोई बात हो हमें अकीदाए वहदत की धात दी जाए अली के होते हुए हम खुदा को मानते हैं क्यों दिए ये दो सजाएं कत्ल नहीं किया जलाया नहीं
اس لیے کہ سزائیں بہت تھی, جرم دو تھے. ایک جرم کیا تھا؟ بندے کو اللہ ماننا. دوسرا کیا تھا؟ اللہ کو اللہ نہ ماننا. جو کام کیا میری اور آپ کی رضا کی رضا ہے خدا. جب بھی کوئی عمل کرتے تھے تو نگاہ اس کی رضا کی طرف ہے, اپنی طرف نہیں. اور کیا سوچ لیں گے, بھائی کیا سوچ لیں گے, میں کیا سوچ لوں گا, خدا. تو علی نے جب مشہری کو جلایا تو خدا کے لیے, مشہری کو قتل کیا تو خدا کے لیے. میں آپ سے ہاں یا نہ میں پوچھ رہا ہوں, اگر صحیح سے جواب ہو تو ہاتھ دیں گے. کب نہیں یہ بتائیے, جب علی نے مشہری کو جلایا اللہ نے دیکھا یا نہیں؟ اللہ نے دیکھا, جرم بھی اللہ نے دیکھا, جرم بھی دیکھا, سزا بھی دیکھی. جرم یہ دیکھا کہ اسے نہیں مانتا تھا انہیں مانتا, اور سزا بھی دیکھی کہ جلا دیا نہیں پہنچے. آپ جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کرا. اللہ نے جرم بھی دیکھا اور سزا بھی دیکھی. علی دکھانا ہی اللہ کو چاہتے تھے, دیکھ لے دیکھ لے, مجھے چاہتا تھا تجھے نہیں, مجھے مانتا تھا تجھے نہیں, میرا اقرار کرتا تھا تیرا نہیں, مجھے سجدہ کرتا تھا تجھے نہیں, مگر میں نے محبت کی پرواہ نہیں کی, چلا دیا. چاہت کی پرواہ نہیں کی, چلا دیا. اے پروردگار, آج اس نے مجھے مانا تجھے نہیں تو میں نے چلا دیا. اب اگر آخرت میں کوئی ایسا آ جائے ہو گئی مجھے پر ہو گئی. سبحان اللہ, واہ واہ. جو حلال لاتا ہوا بلک حلال
भाई आप सब गुजारिश है जो सुरोज आप अकेले में जाके तनहाई में जाके किसी मौलवी को मत दीजिए अकेले और दुआए अरफा अरबी में मत पढ़िएगा क्योंकि आपकी समझ नहीं आएगी। तो जबान आप जानते हैं इंग्लिश उर्दू हिंदी क्योंकि अगर मौलाना के पास जाएंगे वो अभी नहीं सिर्फ अकेले में बैठ के दुआए अरफा फिर आपको महसूस होगा कि हुसैन अल्लाह से बातें कर सकते जानते एक जुमला कहना चाहता हूं क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है शरीर जिम्मेदारी है जैसे रातों में शबे कद्र है वैसे दिनों में रोजे अरफान वाला फरमाते हैं जिसने रोजे अरफान उतर कर दिया पर किस्मत है वो इंसान कि रोजे अरफान उतर जाए और वो अपने गुनाह ना खाली गुनाह नहीं अगर किसी इंसान की तमन्नाएं आरजुए आसमान के सितारों की भी मानी नहीं अगर वो अरफा बैठ के दुआ करेगा अल्लाह वो किसकी है वैसे कोई ऐसा जिसकी तमन्नाएं दुनिया के सितारों की तमन्नाएं नहीं आपसे गुजारिश है कि वो अरफा बैठ के तनाई में तलवर में चार अगर नमाज पढ़िए और फिर वो सिरात पढ़िए वो दुआ पढ़िए जिसे दुआए अरफा तुमने किसने तुझे तुम्हें क्या कर्बला कर्बला सिर्फ जबान का नाम है हुसैन की नाक का नाम कोई तो जबाने हैं बारी कैसे नाम एक बाप ने हां की है एक बेटे ने नाक पूरा इस्लाम बाप यहां और बेटे के नाम जिसने तुझे और जिसने तुझे पाती है आजकल मैं दुबला पढ़ रहा हूं वो आज ही पढ़ रहा है खुदा जब बारिश होना नया करो फर्शी अदा बैठ के बारिश अदा गुजरों का है जानते हो उसका नाम है मेहदी इमाम ज़माना बहुत हुए इमाम मरसिया इमाम कर ज्यादा तो नहीं है मरसिया है सलाम इसकी पिंडलियों का गोश्त कर दिया सलाम सिमाम पर जिसका लाशा अमर करते जबाना दीन पर सलाम उस बच्ची पर जिसके रुखसार मैं जुमला कर बहुत हो गया बहुत हो पर जिंदगी में कोशिश करता कि वो पढ़ने वाला इमाम कभी हमारी नजर से ना हो गुनाह करते हैं तो हमारा इमाम रिवायत के अंदर जुमला है हम गुनाह करते हैं तो हमारा इमाम की ऊपर दे वाला की इमाम की मुसीबत जानते हैं सबसे बड़ी मुसीबत क्या सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जिस जमाने का इमाम है उस जमाने के इमाम लोग उसे बुलाते नहीं उसे पुकारते नहीं हम किसे पुकारते हैं ठोकर लगे किरे मुश्किलों क्या आ रही है मैं जानता हूं अली उस इमाम के इतना इमाम है जिस जमाने में हमें मदद बुलाया हमारी आदत जानते हैं हमारी आदत यह है कि जब हम मुश्किल में देखते हैं ना दुनिया में मुश्किल में तो हम लोगों के दरवाजे पर जाते हैं मसलन किसी की बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा घर में जाएगा पड़ोस में जाएगा भाई मेरी बेटी का कोई रिश्ता बताओ कभी तुमने खलबतों में बैठ के कहा मुझे ले मौला ये बच्ची आपकी कनीज है मतलब मैं लोगों के दरवाजे पर हमने आदत बना ली है कि मैं तुमसे मांग सकता हूं इमाम से नहीं आदत बनाओ जब तो जब हम गुनाह करते हैं मेरा बाप नहीं रोता मेरी मां नहीं रोती मगर इमाम रोता क्यों क्योंकि वो हमारा वारिस है वारिस जो वारिस होता है उसे बड़ा दर्द होता है
کوشش کیا کیجئے کہ ہمارے گناہ سے، ہماری خیبت کرنے سے، ہماری چغل خوری سے ہمارے امام کی آنکھ نہ ملے. ہم کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم سڑک پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. مگر وہ مومن کا جب دل دکھتا ہے تو اس کا دل کم دکھتا ہے، پردے والے کا دل زیادہ دکھتا ہے. ہمیں تیار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے اس پردے والے کے ظہور کے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آئے گا تو ہمارا امتحان، ہماری محبت کا امتحان، ہمارے عقیدے کا امتحان. جانتے ہیں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، خالی میں اور آپ نہیں، خود مولا کائنات کے زمانے میں جب جناب سیدہ پر ظلم ہوا، روایت کے جملے ہیں، روایت کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پہلو میں دروازہ گرا تو علی کو نہیں پکارا، آواز دیا تہدی ادرکنی، اے مہدی میری مدد کا. جانتے ہیں جو لوگ کربلا گئے وہ بتائیں گے کہ کربلا میں ایک مقام ہے جسے کہا جاتا ہے مقام صاحب الاسد والزمان. گئے نا، جانتے وہ مقام کون سا؟ وہ مقام وہ ہے جہاں امام حسین گھوڑے سے اترے ہیں. میں تو مسائل پہنچ چکا، تو کربلا گئے ہیں وہ پہنچ گئے جہاں امام حسین اترے، اس جگہ کا نام ہے مقام صاحب الاسد والزمان. اب جو کربلا گئے ان سے پوچھے گا جہاں مقام صاحب الاسد والزمان ہے وہاں سے اس جگہ کا فاصلہ کتنا ہے جہاں امام حسین کو ذبح کیا گیا ہے؟ 10 قدم 20 قدم 70 قدم، تقریباً 250-300 قدم. اگر آپ چل کے جائے جاؤ مقام صاحب الاسد والزمان سے وہ مقام جہاں حسین کو ذبح کیا گیا ہے، کبھی تم نے سوچا کہ حسین نے وہ سفر کیسے طے کیا؟ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 70 قدم حسین چلے ہیں مگر 70 قدم کے بعد گر گئے، اور جب گرے تو زمین پہ نہیں گرے، حسین تینوں پہ گرے ہیں. 70 قدم کے بعد یہ 200 قدم کا فاصلہ حسین نے کیسے طے کیا؟ چاندو روایت کا جملہ یہ ہے کہ شبر کمینہ آگے بڑھا، حسین کی زلفوں کو پکڑا، کھینچنا شروع کیا، ادھر کے تیر ادھر ادھر کے ادھر کے تیر ادھر ادھر کے تیر ادھر، غریب زہرا تڑپنے لگا. سنو گے عزیزوں، لے کے آیا اس مقام پر کہ جہاں اس کے 70 قدم کے فاصلے پر شریکت الحسین کھڑی تھی، زینب العلیہ مقام کھڑی تھی، فاتحہ کفا شام بی بی کھڑی تھی. 70 قدم کا فاصلہ ہے قلعہ زینبیہ سے. تاریخ تک یہ اس شبر کمینے نے اپنا نجس گھٹنا حسین کی پشت مبارک پر رکھا، زلفیں پکڑی، خنجر چلانا شروع کیا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ رہ چکے، خنجر چل رہا تھا، کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ جب خنجر چل رہا تھا تو اللہ میں اسی کہتے ہیں کہ 3 نور کربلا میں ظاہر ہوئے. ایک وہ تھا جو آسمان سے زمین کی طرف آیا، ایک وہ تھا جو زمین سے آسمان کی طرف گیا، ایک وہ تھا جو کربلا میں چاروں طرف گھوم گیا. پوچھا گیا وہ کون سا تھا؟ کہا وہ جو آسمان سے زمین کی طرف آیا وہ اللہ کا نور تھا، جو زمین سے آسمان کی طرف گیا وہ حسین کی روح تھی، تو وہ جو کربلا میں گھوم گیا وہ حسین کی سکینہ. ایک جملہ اور میری تمام، بس ایک جملہ اور میری سرحمت تمام. اے بابا، جانتے ہیں حسین کو وقت آخر جس جملے میں بلایا وہ سکینہ کا ایک سوال تھا، بس ایک سوال. جب حسین جانے لگے اور گھوڑے پر سوار ہو کے چاہا کہ گھوڑا آگے بڑھے، تو گھوڑے نے اپنی بے زبانی سے اشارہ کیا، کب بہت سر دیکھی. اب جب حسین نے چھپ کے دیکھا تو سینے پر سونے والی قدموں سے نکلی. حسین بچی کیا بات ہے بتاؤ کہ ہمیں جانے؟ کہتے بابا میں بھولے تمہیں نہیں آئے ہوں، مگر بابا میرا ایک سوال ہے. کہ بتاؤ گی بچی؟ کہ بابا یہ بتائیے کہ جب سے سنا ہے کہ آپ جانے والے ہیں، خیمے میں بھی کیا کہہ رہی ہیں آپ کے جانے کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے؟ بابا
जाने के बाद हम यतीम हो जाएंगे? हाँ मेरी बच्ची। तो बस सकीना ने एक सवाल किया, जिस सवाल ने हुसैन को रुलाया, कहते बाबा ये बता दीजिए यतीम होते कैसे हैं? तुम्हारे हाथ नहीं बंधे, तुम्हें कोई तमाचा मारने वाला नहीं है, तुम्हें कोई ताजियाना मारने वाला नहीं है। ये जुमले को महसूस करो, हुसैन जैसा साबिर क्या पता है कि बच्ची यतीमी किसे कहते? ये नहीं कहा जब मेरे गले पर खंजर चलेगा तब तुम यतीम हो जाओगी, जब मेरे सरोकर को जुदाई होगी तब तुम यतीम आ जाओ हो जाओगी। हुसैन का सकीना वक्त खुद बता देगा कि यतीम कहते किसे हैं। मेरी बच्ची वक्त आने दे, वक्त खुद बता देगा कि यतीम किसे को एक जुमला सुन लीजिए का पापा बताइए बस एक जुमला का। हुसैन में निकल गए का सकीना जब शिविर तमाचा मारे मेरी बच्ची जब शिविर तमाचा मारे समझना यतीम हो जा गई। सकीना ये सोचती थी तमाचा कौन मारेगा, मगर तारीख के दिए जब शादे गरीबा तमाचा लगा मार कर करेगा ए चचा बात ए चचा चले रहिए सकीना में तमाचे खा। हमारी मुख्तसर कलील सी बात कबूल फरमा सबब निजात और कुछ हयात और सलाम इस मुरहुमा के सारे सवाब के लिए मजलिस सदा पाकी उनके दराजात को बुलंद से बुलंद करता हूं। जवार हजरत जहां में जगाया, जवार मासूमी में जगाया, खुदाया 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 हाजरीन को साल के अंदर अंदर ज़ियारत कर्बला है बहुत नसीब शराब मेरे अंदर जो एक बार आ चुका है उसको पास करें, दो बार आ चुका है उसको पास करें। आंख बंद ना हो जब तक रूह हुसैन का दीदार है। खुदाया साकिरीन की जाकिर और सामीन की हाजिर को कबूल, खुदाया जो बीमार है पैर के बीमार पूरी शफाए कामिला और सेहत के काजिल है, खुदाया कुलमा है कसाया सुन सकता निजाम मर्जियत की बात मुखालिफ की मर्जियत को रुस्तम आपू जितने इदारे नाम मासूमीन पर चल रहे हैं उनको तीन टुकड़ी रहा चौक में रख के ना खुदाया की वास्ता मोहम्मद आलम मोहम्मद का हमारे बारिश के लहू में तहदीब हमें सरकार के आवाज उछाल शुमार की एक मरतबा सूरह हम और तीन मरतबा सूरह इखलास इखलास फरमाकर मरहूमा की रूह सा अनीस फातिमा बिनते मुआविया आज अंजुमन।